तुम ना हुए मेरे तो क्या। नाम मैंने, एक भाई जैसा दोस्त जेपी, और जिंदगी में जिसे चाहा या जिसने चाहा किसी, दोस्त मिला 19 साल पर यानी जेपी, किसी मिली करीब 1-2 साल पहले यानी 21-22 साल पर। अब आगे सुनो बदनसीबी क्या होती है। दोस्त जेपी से मिलना 19 साल पर, मिलने के बाद दोस्त को माँ बाप बहन भाई सबका प्यार दिया यानी उसे अपनापन दिया बहुत ज़्यादा कि भूल ना सके। एंड फिर किसी से मिलना, किसी को कैंसर था बट उसने उसे भी अपनापन दिया, हंसना सिखाया, जीना सिखाया, मुश्किल में चलना सिखाया। अब जब जेपी और किसी दोनों को ही इतना प्यार दिया कि वो दोनों ही उसे खोने से डरते थे हद से ज़्यादा, तब मैनी ने उनकी ज़िंदगी से जाने का फैसला कर लिया। और पता है दोस्त जेपी की आंखें ख़राब हो गई थी, उसने दोनों आंखें खो दी और वो कुछ देख नहीं सकता इसलिए। और जब उसे पता चला कि मैनी को कैंसर है और वो कुछ दिन बाद जाने वाला है उसे छोड़कर, तो पता है उसके क्या शब्द थे कि सही हुआ हमारी आंखें नहीं हैं, अगर ये साली होती तो हमें अपनी आंखों के सामने मैनी को जाते हुए नहीं देख सकते थे, साली हमें वो दुनिया ही नहीं देखनी जिसमें मैनी ना हो। तो ये थे जेपी, जिन्हें अपने दोस्त की कीमत पता है क्योंकि उस दोस्त ने जेपी को हंसना जीना सब कुछ सिखाया था। तो यही असली दोस्त होता है। एंड किसी, इन्होंने कहा लास्ट टाइम पे कि मैनी वो शख्स है जिसने उन्हें हंसना जीना सिखाया, खुलकर बोलना सिखाया, उनकी ख्वाहिश पूरी कराई, उन्हें दिखाया कि ज़िंदगी क्या है। तो ये थे मैनी। और जब ऐसा कोई शख्स लाइफ से जाता है तो हम हंस कैसे सकते हैं। पता है हर बार यही होता है कि दो में से एक जाता है, और यहाँ गणित थोड़ा अलग चलता है, दो में से एक गया तो कोई नहीं बचता, ये दोस्ती है जनाब। और मैनी के शब्द पता है क्या थे, कि किसी एक के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, जब तक वो साथ वाला जिंदा है तब तक हमारी कहानी जिंदा है और चलती रहेगी। मरना कब है यह हम तय नहीं कर सकते, पर जीना कैसे है यह हम तय कर सकते हैं। एंड बता दूँ मेरा भी दोस्त था सेम मैनी, एंड मैं जेपी, और छुपाऊँ क्या किसी भी है। और बस आज हम दोनों ही नहीं हंस सकते क्योंकि मैनी अब हमारे बीच नहीं। बट अफसोस मेरी ज़िंदगी के मैनी के जाने से पहले मेरी आंखें नहीं गईं और ना ही मैं। बट हाँ, सच कहा था उस मैनी ने कि एक के जाने से ज़िंदगी की कहानी ख़त्म नहीं होती, वो जब तक चलती है जब तक साथ वाला जिंदा है। और इसी वजह से मेरी लाइफ का मैनी ज़िंदा है और वो जब तक ज़िंदा रहेगा जब तक किसी और जेपी ज़िंदा हैं। दिल बेचारा।